ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किए, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, 1 में डाउट, यस सर। क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। हमने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पर हमने उसको कैसे फेंका? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फेंका, और प्लस इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो ग्रेविटी की फोर्स चाहेगी कि वो नीचे आए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स भी चाहेगी कि वो नीचे आए। पर आप उसे ऊपर भेज रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा? एक तो mgh करना पड़ेगा h हाइट तक अगर आपने उसको फेंका, प्लस आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही है? क्यू ई, और कितनी डिस्टेंस तक लग रही है? h। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क डन। तो आपने कुल मिला के कितना वर्क डन किया? mg इंटू h किया, क्यू ई इंटू e किया। तो ये स्टेप क्लियर है। यहां से h कॉमन आ गया, m g q e चारों कॉन्स्टेंट हैं, तो ये जो वर्क डन किया यही स्टोर हो जाएगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो u प्रोपोर्शनल टू h, और जब u प्रोपोर्शनल टू h तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहां तक ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूं। इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर डी है। डी है, गलत है कि सी, डी मार्क करना है। तो क्वेश्चन क्या है? टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ एल। तो दो चार्जेस हैं क्यू एंड क्यू, और इनके बीच में दूरी क्या है? एल। ठीक, पी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वन चार्ज। तो पी वो कह रहा है कोई पॉइंट है, कितनी दूरी पे? एक्स फ्रॉम वन चार्ज। तो एक चार्ज से उसकी दूरी क्या है? एक्स है। आगे, द फील्ड एट पी ई इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम क्लोज जीरो टू स्लाइटली लेस देन एल। तो मैंने क्या किया? प्लॉट किया ई और एक्स को। तो मैंने इस पी को पहले यहां रखा, फिर मैं मिड पॉइंट पे लेके आया, फिर मैं यहां 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 लेके आया, और ई की वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो रही थी हर पॉइंट पर। तो ई की वैल्यू जो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, वो कैसे चेंज हो रही है? इसका वेरिएशन ड्रॉ करो एक्स के साथ। ठीक है, मुझे एक चीज पता है कि अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, तो ये डिस्टेंस एल बाई टू, एल बाई टू है। ठीक है, यहां तक। तो अगर मैं यहां पे ई निकालूं और प्लस वन रखूं, तो ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। ये चार्ज भी इसे क्या करेगा? रिपेल। ई और ई कैंसल, तो नेट ई क्या आएगा यहां पर? जीरो। बात हो गई खत्म। तो ई जीरो हो गया, इसका मतलब कि एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू ई जीरो होगा। अब मैं ध्यान से देखूं, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो, और यहां भी जीरो है। तो चलो, इससे तो बात नहीं बनी। फिर हम एक काम करते हैं, पॉइंट को मिड पॉइंट के लेफ्ट पे रखते हैं। तो अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट के लेफ्ट पे है पी, और मैंने यहां प्लस वन रखा, तो क्यू ने प्लस वन को क्या किया? रिपेल। और इधर क्यू ने प्लस वन को क्या किया? रिपेल। तो कौन सा वेक्टर बड़ा होगा? ये वाला वेक्टर बड़ा होगा, क्योंकि ये चार्ज इसके नजदीक है, तो ज्यादा बड़ा ई लगाएगा। नेट ई कहां आएगा? टुवर्ड्स राइट। लेकिन अगर मैं पॉइंट को मिड पॉइंट के राइट पे रखता हूं, राइट पे रख के ये प्लस वन रखूं, तो ये इसे क्या करेगा? रिपेल। और इधर से ये क्या करेगा? इसे रिपेल। इसका अफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि नजदीक है। तो नेट ई कहां आएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है? इसका मतलब आधे रीजन में ई राइट है, फिर जीरो है, फिर आधे रीजन में ई लेफ्ट है। तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव ई और नेगेटिव ई, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब दो क्वाड्रेंट में ऑप्शन बनेगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मींस एक एक ई पॉजिटिव के क्वाड्रेंट में, एक ई नेगेटिव के क्वाड्रेंट में। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेंट ही चेंज नहीं हुआ। ये हो नहीं सकता, क्वाड्रेंट ही चेंज नहीं हुआ। इन दोनों में से है कुछ ना कुछ। तो इन दोनों में से ई निकलेगा कैसे? जैसे ये पॉइंट है, यहां पर ई होगा क्या? क्यू ई क्या लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और वो क्यू यहां पे ई क्या लगाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन्हें माइनस करेंगे तो ये वेरिएशन आएगी। मैं इस क्वेश्चन में ई का और एक्स का इस फॉर्मूले को देखते हुए ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकता। मेरे को ऐसा कोई मैथ नहीं आता कि मैं इसको देख के ग्राफ प्लॉट कर सकूं। मुझे याद करना पड़ेगा इसका वेरिएशन। डी ऑप्शन मार्क करेंगे,
कि जैसे जैसे मिड पॉइंट पे आएंगे ई कम होता जाएगा, ई कम होता जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा और फिर क्या होता जाएगा, नीचे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आपको वेरिएशन करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद ये नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट और फिफ्थ में डाउट। फिफ्थ हो गया सर, फोर्थ में एक डाउट है। फिफ्थ में चार्ज पार्टिकल ऑफ मास सर, फोर्थ में, फोर्थ में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो देखो इमेजिनरी होती है, बात ही खत्म है, ये रियल में तो होती सर, एग्जिस्ट एवरीवेयर नहीं हो सकता। एग्जिस्ट एवरीवेयर कैसे होगी, इस रूम में तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो कैसे हुई, यहाँ पर नहीं है, जहाँ चार्ज है प्लस एंड माइनस वहां पे है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, ओके सर। एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और क्यू चार्ज है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो, रेस्ट से रिलीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितनी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो एक्सेलरेशन क्या होगी इस चार्ज पार्टिकल की, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, एक्सेलरेट करेगा रेस्ट से, कुछ देर के बाद वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। आपको बताना है कि टी टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर मैं टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी बता दूं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टी, एक्सेलेरेशन क्या है, क्यू ई बाय एम, तो आप हाफ एम वी स्क्वायर में इस वेलोसिटी को पुट कर दें आंसर। ठीक है, यहां तक तो पहले वेलोसिटी निकलेगी, हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन में, क्वेश्चन नंबर एट, सेवन में, सेवन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दो जिनका मास गिवन है एंड चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, अगर एक को रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, अब वेट क्या है पार्टिकल का, एम जी, रिपल्सिव फोर्स क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इनटू ई बाय आर स्क्वायर, तो सॉल्व करके आर निकाल लें, डन, आंसर। सर इसका आंसर नहीं आ रहा, 4 सेंटीमीटर नहीं आ रहा, ऑप्शन चेक, आ रहा है, आ रहा है आंसर, 0.4 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, ओके, ठीक है, करेक्शन कर लेना, 0.4 आ रहा है, ओके, ठीक है। नाइन्थ, ठीक, टेंथ, इलेवन, डाउट इलेवन, तो दो पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, डिस्टेंस गिवन है, तो डायपोल है, डायपोल का डिस्टेंस 2a होता है, तो वहां से a आ जाएगा, P 10 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर पॉइंट पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन, तो इसमें शॉर्ट डायपोल का इक्वेटोरियल लगाना, P बाय आर क्यू, P क्या होता है, Q इनटू 2a, सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक, तो ये सर एक बार 10th क्वेश्चन बता दो, 10th क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल है, हाँ, मिनिमम एनर्जी, देखो एक डायपोल के पास अगर एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है शेल में, ताकि आप एनर्जी को मिनिमम कर सके, ताकि वो स्टेबल हो सके, तो स्टेबल एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमम, तो इसमें एंगल, और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पी और ई में एंगल क्या होता था, जीरो, अनस्टेबल में क्या होता है, पी और ई में एंगल 180, तो यहाँ पर जीरो आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक, यस।